हेलो फ्रेंड्स, सभी लोग प्यार भी नमस्कार। कैसे आप सब? आशा करते हैं सभी लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए, ये नेहा दीदी के चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, अभी जो हम जा रहे हैं, जैसे कि सुबह का टाइम है, 10 बज रहा है और आज जो है बादल वगैरह जो है किया हुआ है। तो आज हम लोग मार्केट जाने वाले थे, लेकिन हम जो नहीं गए हैं, छोटी वाली ननद लोग गई हैं और बड़ी वाली जो लड़की अंशिका है वो भी गई है, और फ्रॉक वगैरह जो है अच्छे से लेने गई है। और जो चाचा जी हैं उनके दिल्ली, अभी जो पिछले वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि जो हम मतलब चालू किए थे मोबाइल, तो फ़ोन आ चुका था वीडियो कॉलिंग, तो फिर हम जो है फ़ोन काट दिए थे। जो फ्रॉक और बाबू का जो है कपड़ा वगैरह जो है दिखा रहे थे वहाँ से, तो अच्छा अच्छा जो लग रहा था। तो चलिए, आएगा अंशिका का फ्रॉक तो हम आप लोग को दिखाएंगे ये कैसा लाए हैं। और तो चलिए, अब जो है हम जैसे कि हम दुल्हन जो है साड़ी वगैरह जो है दुल्हन का जो हम अभी जो जा रहे थे सिलने, तो अभी जो है कांटे वगैरह नहीं है, तो चलिए हम उसको जो है काटते हैं। और फिर जो है एक दिन हम मार्केट जाएंगे, जैसे कि उसमें ब्लाउज में जो है लेस वगैरह लगाने के लिए झूमर वगैरह। तो अभी हम मार्केट नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अभी जो हमें कपड़ा बनाना है, कपड़ा वगैरह जो हम सिल लेंगे उसके बाद जो है हम एक बार जाएंगे मार्केट लेस लेने और झूमर वगैरह, और अपना जो है थोड़ा बहुत चूड़ी वगैरह जो भी लाएंगे। जाने के बाद मार्केट तो बहुत सारा सामान लेने के लिए मन करता है। तो चलिए, अभी जो है हम सबसे पहले जो हम कपड़ा वगैरह जो है काट लेते हैं। चलिए, हम आप लोग को साड़ी पहले दिखाते हैं कि किस तरीके से लाए हैं। हम लोग तो जो है मतलब उस समय मोड़ा हुआ था, हम लोग तो निकाल दिए हैं अभी। चलिए, हम आप लोग के दिखाते हैं। तो ये देखिए फोटो है, ये देखिए आंचल में है, अच्छा लग रहा है ना? तो चलिए, अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट में करके जरूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है। तो ये देखिए जिस तरीके से यहाँ पे है, उसी तरीके से जो है इसमें भी है। देखिए आंचल में है, और ये जो है नीचे है चून में, देखिए पड़ा है, अच्छा लग रहा है। तो चलिए, इसमें से जो हम ब्लाउज पीस निकालते हैं। तो ये देखिए पीछे के पाला में जो है हमने ब्लाउज पीस जो है निकाली है। ये देखिए अभी जो मतलब काटे नहीं हैं, अभी लगा हुआ है साड़ी पीस में ही है। तो ये देखिए ब्लाउज पीस है, ये देखिए पीछे में जो है डिजाइन दिया हुआ है, तो ये हम गला में रखेंगे। तो चलिए, यहाँ पे जो है लैस भी है, बहुत लंबा लैस चौड़ा दिया हुआ है। ये देखिए, तो चलिए हम इसमें से जो है अलग करते हैं। तो ये देखिए हम जो है ब्लाउज पीस जो है हम निकाल लिए हैं, तो ये जो है पीछे में जो है डिजाइन है, तो ये देखिए पीछे में जो है डिजाइन दिया हुआ है। तो चलिए, हम जो है पूरा जो है भरा हुआ पीठ पर रखेंगे, पूरा की डिजाइन पूरा जो है आ जाए। और यहाँ पे जो है हम लेस वगैरह जो है हम निकाल लेते हैं। तो ये लेस जो हम अलग कर लेते हैं, क्योंकि हमें जो है कपड़ा काटने में जो है आसानी पड़ेगा। तो चलिए, हम जो लेस वगैरह जो है अच्छे से देखिए निकाल लिए हैं। और उसके बाद जो अब हम जा रहे हैं, देखिए ये ब्लाउज पीस है, और ये देखिए हमने लेस भी जो है अलग कर लिया इसमें से। और ये देखिए मेरा अस्तर है, ये देखिए अस्तर है। तो चलिए, हम इसको जो है काट लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम अस्तर काट लेंगे, उसके बाद जो है जैसे हम अस्तर काटेंगे उसी तरीके से नाप करके जो है ब्लाउज साड़ी पीस जो है उससे हम काटेंगे। अस्तर वाले देख लो, तो ये देखिए हमने जो है अस्तर रखे हैं यहाँ पे, और ये देखिए नापी है, और हमने यहाँ पे खरी भी रखा था। अच्छा, देखते हैं। तो ये देखिए हम जो है यहाँ पे जो है हम नाप लिए हैं, नाप करके और जो है हम चिन्ह यहाँ जो है लगा चुके हैं। यहाँ देखिए, तो लंबाई हम जो है 14.5 रखे हैं, और अभी यहाँ पे हम नहीं काटेंगे, क्योंकि साड़ी में जो है
तो यहाँ पर जो है डिजाइन रखा हुआ है, तो हमें कितना चाहिए कितना नहीं, तो हम उसी हिसाब से जो है हम रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए मेरा बाजू है, तो हम बाजू के लिए जो हम कट किए हैं, यहाँ हम 5.5 रखे हैं और 1 इंच जो इस तरीके से रखे हैं, देखिए 1.5 इंच, डेढ़ इंच जो है रखे हैं। तो चलिए हम यहाँ पे जो है कट कर लेते हैं, और ये हमने 9.5 रखे हैं। तो देखिए हमने जो है पीछे के पाला रखा है, इसको जो हम काट लिए हैं, और अब जो हम आगे के पाला के लिए जो हम रखे हैं, तो देखिए इस तरीके से जो है हम रखे हैं। ये देखिए अभी यहाँ पे देखिए आगे के पाला जो हम निकाल रहे हैं, और यहाँ पे जो हम कट कर लेंगे, और फिर यहाँ पे जो हम 5 इंच जो है नापेंगे, तो ये देखिए आगे के पाला के लिए जो हम डिजाइन मतलब चिन्ह लगा करके और रखा है। तो चलिए इसको जो हम कट करके अच्छे से निकाल लेते हैं, उसके बाद जो यहाँ पे हम बाजू निकालेंगे। तो देखिए पीछे के पाला और आगे के पाला जो हम निकाले हैं, और यहाँ देखिए भालू बाबा आन के बैठ गया। ए गणेश जी आ, तो देखिए आगे पीछे के पाला जो हम निकाल चुके हैं, तो हम देखिए बाजू के लिए मोड़ चुके हैं यहाँ पे। ये देखिए बाजू के लिए जो हम चिन्ह लगा चुके हैं, तो चलिए हम इसको जो है काट कर निकाल लेते हैं। तो ये देखिए हमने जो है बाजू जो है हम निकाल चुके हैं, तो चलिए हम टोपी के लिए जो है हम यहाँ पे चिन्ह जो है लगा चुके हैं, तो चलिए हम जैसे काट करके अच्छे से निकाल लेते हैं। तो ये देखिए हम टोपी भी जो है काट कर अच्छे से निकाल लिए हैं, यहाँ पे देखिए हम पट्टी भी जो है निकाल लिए हैं, तो हम सारे कपड़ा जो हम अच्छे से जो हम निकाल चुके हैं। तो चलिए अब जो हम साड़ी में जो है हम काट कर निकालते हैं। चलिए हम अस्तर जो है काट कर अच्छे से जो है हम निकाल चुके हैं। तो चलिए अब जो हम साड़ी में का जो है मतलब जैसे कि साड़ी में का जो हमने रखा है, तो उसे जो है हम साड़ी पीस में का जो हम अच्छे से निकाल लेते हैं। अस्तर वगैरह जो हम सारा जो है काट करके अच्छे से निकाल लिए। ये देखिए आप लोग शुरू से देखेंगे तो आप लोग को जो है पता चल जाएगा कि हम किस तरीके से निकाले हैं। तो चलिए अच्छा लगा होगा तो कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। और अब जो हम साड़ी में का जो हम अच्छे से जा रहे हैं निकालने, पहले हम डिजाइन को देखते हैं कि किस तरीके से है, मतलब है उसी तरीके से हमें जो है निकालते बनेगा। तो चलिए हम निकालते हैं जैसे पीछे के पाला को, सब बहुत भारी लग रहा है निकालने में। तो ये देखिए पीछे के पाला जो हम अच्छे तरीके से जो है निकाल लिए हैं, तो इसमें जो अभी नहीं कट किए हैं अस्तर में, अस्तर में जो हम बाद में कट करेंगे। तो चलिए अब जो है हम आगे के पाला जो हम निकालते हैं, और हमको खाली पीछे में ही जो जोड़ लग रहा था। ये देखिए पीछे के पाला जो हम निकाल कर रख लिए हैं, और ये देखिए मेरा आगे के पाला है साड़ी पर जो हमने बिछा करके अच्छे से रखा है। चलिए इसको काट कर अच्छे से निकाल लेते हैं। तो हम जो है आगे के पाला यहाँ पे जो है कट करके अच्छे से रख लिया है, तो यहाँ पे हम बाजू जो है निकाल रहे हैं। देखिए हमने अस्तर जो है अच्छे से बिछा करके अच्छे से रखा है नाप करके, और तो चलिए हम फोल्ड करके अच्छे से रखे हैं। तो चलिए इसे जो हम काट कर निकाल लेते हैं। फिर देखिए हम बाजू भी जो है यहाँ पर रख लिए। अब जो हम यहाँ पे पट्टी निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे देखें हम जो है पट्टी निकाल कर भी यहाँ पे अच्छे तरीके से रख लिए हैं। चलिए हम यहाँ पे जो है हमने टुकी रखा है अच्छे से फोल्ड करके, देखिए चलिए हम निकाल लेते हैं अच्छे तरीके से। तो चलिए हम जो है यहाँ पे टुकी वगैरह जो है सारा काट कर देखिए अच्छे से जो है हमने रख लिए हैं। तो चलिए अब जो है हम बंधन और गला पट्टी, काज पट्टी, बटम पट्टी जो हम सारा जो हम निकाल लेते हैं। तो चलिए हम जो है सारा जो है निकाल कर रख लिए। ये देखिए मेरा जो है बंधन है 2 ठे, ओ ये तो हमने लाए डोरी लगाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल तो हम डोरी लेकर के नहीं आए हैं, जाएंगे मार्केट डोरी लेकर के आएंगे। तो चलिए इसे तो हटा दे रहे हैं। तो ये देखिए मेरा गाला पट्टी है तीछा तीछी, देखिए हमने कपड़ा जो है अच्छे तरीके से काटा है, देखिए तीछा तीछी रहता है तो ही गला में जो है अच्छे से बैठता है। और ये काज पट्टी है और एक बटम पट्टी है। तो चलिए हमें अच्छे से जो है काट कर निकाल लिए हैं। तो चलिए अब जो मेरा फाइनल हो चुका है। तो हम इसे जो अच्छे से फोल्ड करके अच्छे से इसे जो है हम रख देते हैं। टाइम
डेढ़ बज रहा है। ये देखिए साड़ी जो हम अच्छे से फोल्ड कर दिए हैं, ये देखिए हम फोल्ड करके अच्छे से जो है रख दिए हैं। इसे रख देना बाबू अजिंक को, इसे ढांक देना। तो चलिए हमने जो है साड़ी वगैरह जो है अच्छे से फोल्ड करके जो है हमने रख दिया है। और देखिए पीछे के पलाज हम जिस तरीके से निकाले हैं, बहुत देर लग रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके से निकालें। चलिए अच्छा लगा होगा तो कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा कि कैसे मतलब लगा। अभी बनाने के बाद पान गाला जैसा है, पान गाला जैसे रहता है उस तरीके से जो है हमने डिजाइन निकाला है। तो चलिए अच्छा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और वीडियो देखने के लिए सभी लोग का धन्यवाद। और बाबू जो यहाँ देखे कपड़ा काटने दे रहे, बड़ी बदमाशी किया है। अरे तुम बदमाशी किया है ना, बदमाशी किया है ना, कितना बदमाशी किया है, हंस रहा है, काटे नहीं दे रहा, सो कर उठा था तेना में सब कुछ खाना पीना खाया तब भी बहुत गुस्सा कर रहा था। देखो देखो नानी भी जाएगा, नानी कहेगी ना कि बाबू बड़ी बदमाशी कर रहा है। बाय करो नहीं, बाय बाय, नहीं अच्छा नहीं।